बहुत बहुत मुबारक बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत ही जिम्मेदारी का पद आपके उस पर आया है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी इस पर? नहीं, अभी मुझे ये समाचार मिला है और मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो मैं यही कह सकता हूँ कि अपनी जिस तरह मैं हमेशा अपनी जिम्मेदारियाँ निभाने की कोशिश करता हूँ, वही प्रयास करूँगा। आदमी प्रयास ही कर सकता है, वो मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूँगा, जो भी मेरा अनुभव है, मेरी समझ है, उसके आधार पर कोशिश करूँगा कि इस जिम्मेदारी को भी निभाऊँ। पूरी फिल्म इंडस्ट्री को बहुत आशाएँ अपेक्षाएँ हैं आपको, आपसे इस बार मतलब? मेरी बहुत खुशी है मुझे कि मुझसे अपेक्षाएँ हैं, मुझे बहुत इज्जत है फिल्म इंडस्ट्री के लिए, और मुझे मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी अच्छी सोच वाले लोग हैं उन की सलाह लूँ और समझूँ, क्योंकि मेरे लिए भी एक नई चीज़ है, मुझे अभी पूरी तरह से मालूम नहीं है किस तरह से ये काम होता है, पर मैं यही मानता हूँ कि काम को करना बहुत ज़रूरी है। मैं बैठकर टीका टिप्पणी करने में यकीन नहीं रखता हूँ, कोई भी चीज़ हो उसको हाथ में लेकर करने की अपनी कोशिश जो एक मनुष्य कर सकता है, एक कलाकार कर सकता है, एक सोचने वाला व्यक्ति, समझने वाला व्यक्ति कर सकता है, वो यही कर सकता है कि वो काम को अपने हाथ में ले और कोशिश करे कि जो भी फ़र्क वो उसमें ला सकता है उसका प्रयास करे। तो वही सीबीएसई हैज गॉट लाइक अ टेंटेड इमेज राइट नाउ, डू यू थिंक यू आर आल्सो गोइंग टू आयरन आउट ऑल द क्रीजेस? See, I need to first understand the whole. I need to first understand the role and the responsibility fully. Right. I definitely understand it. I would say rather a little bit in a very short form. Right. I would understand. So I would like to understand it first and completely what the processes are, especially. Right. All I can say is with good intent I would try and make as much difference as I can, and that's what one can do actually. Padma Shri also joins you in the board now, any thoughts on that? No, I think all the people, good people who join will make a difference, I think it has to be done together. I think there has to be some sort of understanding which has to be brought in, that this is the job needs to be done, and we need to do it, look at it constructively, and that's what I would do. Yes. I mean, I do it to my best of my abilities, because as I said, I believe in taking on responsibilities. I have always gone for it. प्रिंसेस सर, फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि सीबीएफसी का काम सर्टिफिकेशन देना है, सेंसर करना नहीं, आप कितना सहमत हैं? देखिए, अभी जैसे मैंने अभी कहा कि आप मुझसे बहुत से सवाल कर रहे हैं जो बहुत टू अर्ली फॉर मी टू एक्चुअली answer a lot of questions. Right. I would love to answer all those questions, but give me some time for getting the hold on the whole. Sir, आपको ये सूचना कैसे मिली और क्या क्या प्रतिक्रिया लोगों की मिल रही है? नहीं, अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। आप जैसे लोगों से पहले ज़्यादा सूचनाएँ मिलती हैं इससे पहले कि वो because things happen very fast. Happen very fast for me. मैं तो अभी फ्लाइट से आया हूँ, दिल्ली से आया हूँ, तो उतरने के बाद मुझे काफ़ी मैसेजेस आने शुरू हुए। ज़रूर मेरी सहमति थी, पर इतनी जल्दी सब कुछ हो जाएगा, मुझे इसका मतलब आकर के ही उतर के सडनली आई वॉज फ्लडेड विद मैसेजेस, एंड आपके जैसे जो शुभचिंतक हैं उनके मैसेजेस आना शुरू हो गए। तो मैं यही कहूँगा कि जिम्मेदारी है, और मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, एक अदना सचिव हूँ और अपनी कोशिश ही कर सकता हूँ, और बड़े बड़े अच्छी सोच वाले लोग हैं, और मेरा सौभाग्य है कि मैं बहुत अच्छी सोच वाले लोगों को जानता हूं, और उनसे बहुत सीखने का मुझे मौका मिला है, अपने अनुभव को और अपनी, और मैं अपने को एक संवेदनशील व्यक्ति मानता हूं, तो अपनी संवेदनशीलता को, अपने अनुभव को उन्हीं से आदमी काम कर सकता है, और क्या कर सकता है, और मेहनत कर सकता है। एक चीज़ ये अब मैं मालूम है कि बहुत जल्दी होगा सब कुछ, प्रायोरिटी क्या रहेगी आपकी सबसे? भाई, प्रायोरिटी तो काम ही होता है, काम को समझना ही प्रायोरिटी होगी। आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड इट एज मच एज पॉसिबल, उसको काम को समझने की कोशिश ही मेरी प्रायोरिटी है। सर, क्या तरीकों में कुछ बदलाव आएगा? जैसे कि मैंने पहले कहा कि द होल प्रोसेस इज स्टिल वेरी वेरी
नॉट फुल्ली नोन टू मी एक्चुअली, कितना उसका पूरा किस दायरा है, किस तरह से काम होता है, उसमें उसकी निटिग्रिटीज, आई एम येट नॉट वेरी फेमिलियर विद द निटिग्रिटीज ऑफ इट. आई थिंक इट टेक्स टाइम टू. कब से ज्वाइन करेंगे आप, ये बताएं कुछ, कब से ज्वाइनिंग डेट है अभी? अभी बस यही, आप मुझे मौका दीजिए तो मैं भी पता करूं कि कब से ज्वाइन करूं.